नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूमि। वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अमेजोन से क्या क्या सामान मंगवाया जो घर के लिए यूजफुल था। कुछ इसमें डेकोर आइटम्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो घर के काम के हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि मैंने अमेजोन से क्या मंगवाया। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को ट्रेंडिंग टैब पर नहीं चेक किया है तो प्लीज़ चेक करिए। आज मेरा चैनल ट्रेंडिंग टैब पर है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये केवल आपके ही सपोर्ट से पॉसिबल हो सका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैंने मंगाई ये कमांड हुक, जो कि मैं ज़्यादातर इन्हीं की मदद से यूज़ करती हूँ। कुछ भी अगर मुझे फ्रेम्स या कोई भी चीज़ हैंग करनी है, अलग अलग वेट के हिसाब से आते हैं और इसके लिए आपको कोई भी ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत आसानी से चीज़ें हैंग हो जाती हैं। अब देखिए, ये है सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया। ये था एक टी कॉफ़ी की वुडन ट्रे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्टाइलिश मुझे लगी ये, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। वुड की बनी हुई है, कई कलर्स में ये आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि इसमें ट्रे जो है दो प्राइस में अवेलेबल है। दोनों के लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसमें देखिए, नीचे ड्रॉर्स हैं जिसमें आप स्पून, फोक, नैपकिन्स वगैरह रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी ट्रे है कि ऊपर आपने इसमें सामान रख लिया और नीचे आप इसमें कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। डेकोर पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके दोनों लिंक चेक करिएगा। दूसरा आइटम जो देखिए मैंने आगे मंगाया, ये मैंने काफ़ी पहले ऑर्डर किया था और ये मुझे अब मिला। ये एक्चुअली ये जो हैं, ये हैं पिक्चर फ्रेम्स, कलरफुल पिक्चर फ्रेम्स। मुझे ब्लैक कलर के पिक्चर फ्रेम्स नहीं चाहिए थे या ब्राउन कलर के ओनली, तो ये मल्टी कलर के पिक्चर फ्रेम्स हैं। मुझे पूरी एक मेमोरी वॉल टाइप कुछ क्रिएट करनी थी, उसके लिए मैंने मंगाए। अलग अलग साइजेस के इसमें तीन सेट हैं। जैसे पहला साइड जो इसमें साइज़ है वो है 4x6 का, और 4x6 के जो हैं इसमें काफ़ी सारे पीस हैं, अलग अलग कलर के हैं। देखिए, इसमें वाइट कलर है, ब्राउन कलर है और एक वुडन कलर है, लाइट कलर। तो कुछ इसी कलर में मुझे चाहिए थे। ये बहुत ही अच्छे लगे, क्वालिटी अच्छी है। एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये लाइट वेट हैं। इनके साथ नेल्स भी आती हैं जिनसे आप इन्हें बहुत ही इजीली हैंग कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन इनका बहुत आसान है। दूसरे फ्रेम का जो साइज़ है वो है 5x7। 5x7 के 8 पीसेस थे इसमें। कलर सेम ही है, देखिए जो तीन कलर हैं वो तीनों कलर तीनों साइजेस में हैं। जैसा कि मैं बता रही थी कि इनका इंस्टॉलेशन बहुत आसान है और इसमें इनके साथ जो है इंस्टॉलेशन की नेल्स वगैरह इसके साथ आती हैं। तीसरा साइज है 5x10 का। इसके तीन पीस हैं, तीनों कलर में पीस हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट आइटम मैंने मंगाया वो था LED स्ट्रिंग। ये 5 मीटर की LED स्ट्रिप है और वाइट कलर में है। जब कभी भी आपको किसी स्पेस में कोई प्लीजेंट सा या सूदिंग इफ़ेक्ट देना हो, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर देखिए, हमारे पास जो मुझे मिली वो थी पूरी एक स्ट्रिप और इसके साथ मुझे मिला एक अडेप्टर जिससे कि हम इसे जला सकते हैं। सेल्फ एडहेसिव होती है, देखिए पीछे से इसमें से हटा के हम इसे कहीं पे भी चिपका सकते हैं। मुझे बहुत ही पसंद आई ये। किचन में आप लगा सकते हैं, किसी भी जगह को हाईलाइट करने के लिए आप इसे चिपका सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा सा लुक देगी। काफ़ी सारे कलर्स में है ये, मैंने इसे वाइट कलर में परचेस किया। इसके अलावा जो मैंने मंगाई वो थी एक बॉटल कॉक की LED लाइट। तो इसमें देखिए, सेल आए, एक बॉटल के अंदर डालने की LED लाइट आई और वो अटैच थी एक कॉर्क से, और इस कॉर्क को हम बॉटल के मुंह पे लगा देंगे। मैंने सोचा था कि शायद बॉटल भी इसके साथ आएगी, लेकिन बॉटल इसके साथ नहीं थी। केवल जो आई वो ये इस तरीके की एक LED लाइट ही आई, और अच्छा लगता है, जैसे बॉटल का पूरा एक डेकोर पीस बन जाता है जब कभी भी हम इस तरह से लगाते हैं। तो बॉटल्स आपके पास कांच की हैं, बहुत सारी हैं, तो आप उसमें से लगा दीजिए, सेल डाल दीजिए और ऊपर से कॉर्क से ऑन और ऑफ हो जाती हैं।
अब देखिए, एक घर के यूज के लिए जो मैंने एक आइटम मंगाया वो था ये मिल्टन का एक बॉक्स। ये बेसिकली एक मेडिसिन बॉक्स है, इसमें मैं फर्स्ट एड वगैरह का सामान रखने के लिए मैंने मंगाया। पहले मैं एक दूसरा बॉक्स यूज करती थी, लेकिन मैंने अपने टी स्टेशन में उस बॉक्स को यूटिलाइज कर लिया। ये दो साइजेस में है, बड़े साइज में भी आता है, छोटे साइज में भी है। मैंने छोटे साइज वाला ये मंगाया, काफ़ी मजबूत सा लग रहा है, देखने में भी सुंदर लगता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी ये अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेकोर करना है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना है, आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा अमेज़ॉन हॉल। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ और भी अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।